कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं कि भाई कोई ठेकेदार है ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे, ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की रेट में मैंने ताजा जानकारी ली है 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर, उनके काम शुरू हो गए हैं। कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बन के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरी में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है, समझते हैं ना। और मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा रहे हैं। फिर बाद में चिल्लाते फिरेंगे हमारा पैसा चला गया। ये तो 31 मार्च की डेट है, जितना कराना करा लो। हां, अगर सब लोग खत्म कर देंगे और जरूरत होगी तब भी हम देंगे, हमारे पास बजट में कमी नहीं है और देंगे। मित्रों, ग्राम में विकास, मित्रों काम कराने के लिए लोग आगे आने चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये हमने कहा है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।